कोणार्क अपना शहर अपनी बातें। धन गुरु नानक दरबार डेरा संत बाबा थैरा सिंह साहब जी की तरफ से उल्लासनगर नहीं पूरी दुनिया की संगत को ये बेनती की जाती है, आज ये महामारी का समय है, आज इंसान को इंसानियत दिखाने का समय आया है। उल्लासनगर की दरबार काम तो कर रही है अपनी तरफ से, और भी जितने उल्लासनगर के गणपति ग्रुप हैं, बड़े बड़े ग्रुप हैं, बड़ा बड़ा कार्य करते हैं, उसके अलावा और बड़े बड़े बंदर संस्थाएं हैं, सबको आज इसमें उतरने का समय आ गया है, इंसानियत को इंसानियत दिखाने का समय आ गया है। आज उल्लासनगर में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों को खाने की ज़रूरत है, सब संस्थाएँ जितनी भी काम कर रही हैं सब मिला के 70% तक पहुंच रही है, अभी भी 20-30% लोगों को नंगर और खाने की सुविधा नहीं पहुंच रही है। तो मैं और भी संगत को और भी सबको ये विनती करूंगा, भाई जल्दी से जल्दी इसमें उतरें, खुद बाहर ना आए पर कोई काम कर रहा है तो वहाँ पे काम ज़रूर कराएं। ऐसे ही ये सेवा जैसे उल्लासनगर में चल रही है, ये स्थान बिलासपुर छत्तीसगढ़ में भी है, वहाँ पे भी नंगर जहाँ जहाँ पे लोग रह गए हैं अपने गांव पहुँचने पे, वहाँ वहाँ गांव में पहुँचाया जा रहा है। हरिद्वार शहर के अंदर जो वहाँ पे गरीब लोग हैं उन्हें भी नंगर की सुविधा पहुँचाई जा रही है। मैं व्हाट्सएप चालू कर रहा हूँ और उसमें मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं, भाई यहाँ पर 200 कच्चे राशन के पार्सल पहुँचे, मैं उनको फ़ोन कर रहा हूँ, अभी नाम लेना उचित नहीं है, मैं उनको फ़ोन कर रहा हूँ, आप में से जितने लोगों ने पैसा कमाया है और वो कैपेबल हैं आप उन्हें भी फ़ोन करो, भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा वो भी उनको भी डालो 50, 100, 200 पार्सल, आप भी आके देख के आओ, आगे देख के आओ, ये देने से क्या होगा, उनका भी कर्म बनेगा और जो उनको फ़ोन करके बोल रहे हैं उनका भी कर्म बनेगा। तो हमारी सारी सात संगत से ये विनती है, मैंने पहले भी बोला था भाई किसी का पगार भी न काटें, जैसे लोग आप जहाँ आप मालिक बन के बैठे हो, आज के मालिक जो आपके पास काम करते हैं वो हैं, तो उनका वेतन भी नहीं काटा जाए और उन्हें राशन भी भर के दिया जाए, आज समय है ये काम करने का। तो सारी सात संगत से ये विनती है ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे आएँ। धन गुरु नानक डेरा संत बाबा थैरा सिंह दरबार, यह दरबार हमेशा ही शहर के, जब भी इस शहर में संकट आया है, चाहे वो शहर में बाढ़ आई या कोई बंदोबस्त हो या शहर पे अब जो कोरोना की विपत्ति आई हुई है, ये दरबार हमेशा ही शहर में सभी शहरवासियों के साथ खड़ी है। यहाँ पर जो लंगर की सेवा है वो 24 घंटे शुरू की गई है और यहाँ पर कोई भी जात धर्म पक्ष विपक्ष नहीं देखा जाता और सबको ये निःशुल्क दिया जाता है, जितना जिसकी डिमांड हो उसको वो डिमांड पूरी की जाती है। और भाई साहब का सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि सबको खाना पहुँचना चाहिए और ये लक्ष्य में हमारे सेवादार जितने भी हैं सब लगे हुए हैं, 24 घंटे सेवा में लगे हुए हैं। हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं, हम लोग प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। उल्लासनगर 3 में हमारा थारा सिंह दरबार है। थारा सिंह दरबार 2005 की बाढ़ परिस्थिति हुए कि अभी जो कोरोना वायरस की जो परिस्थिति पूरे शहर में पूरे महाराष्ट्र में है, तो ये दरबार की तरफ से पूरे उल्लासनगर शहर में सबको सवेरे शाम खाना बांटा जा रहा है। ये हमारा दरबार ना जात देख रहा है, ना धर्म देख रहा है, ना कोई पक्ष देख रहा है, कोई भी आ रहा है तो उसको बस खाना देते जा रहा है। आज दिन में हज़ारों पैकेट सवेरे शाम खाना बांटा जा रहा है और जब तक ये परिस्थिति कंटिन्यू मतलब ऐसी है तब तक हमारे दरबार से खाना बांटा जाएगा। हमको अभिमान है कि उल्लासनगर शहर में ये हमारा दरबार है, कि ये दरबार के होते हुए कोई भी उल्लासनगर का नागरिक कोई जनता भूखी नहीं सो रही है। कोणार्क अपना शहर अपनी बातें।